हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान के करंट जीके क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है, आकाशवाणी जयपुर के द्वारा राजस्थानी भाषा में समाचार की पहली वेबसाइट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कलराज मिश्र के द्वारा, अपने राज्यपाल कलराज मिश्र उनके द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन सेकेंड है, राजस्थान में बाइक एम्बुलेंस को शुरू करने वाला राजस्थान का पहला जिला है? तो बाइक एम्बुलेंस शुरू करने वाला राजस्थान का पहला जिला जोधपुर है, बी इसका राइट आंसर होगा। और दूसरा जिला जो है वो भी बन गया है बाइक एम्बुलेंस के लिए, जयपुर। ठीक है, दोनों ही आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन थर्ड है, 14वीं जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म फेस्टिवल के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाएगा? अब नवाजा गया है और इसका राइट आंसर है जावेद सिद्दीकी को 14वीं जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। क्वेश्चन फोर्थ है, जागृति पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जागृति पोर्टल जो है उसका संबंध रोजगार ढूंढने से है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चंस को लिखते रहना और साथ ही साथ याद करते जाना। क्वेश्चन फाइव है, वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री कौन है? तो उद्योग मंत्री जो है वो है आपके शकुंतला रावत, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जनवरी 2022 करंट का ही है ये बिल्कुल एकदम, तो इसके बाद कोई नहीं बने। वर्तमान में राजस्थान में शिक्षा मंत्री कौन है, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। पहले गोविंद सिंह डोटासरा थे और बाद में उनको चेंज करके बीडी कल्ला को बना दिया गया, तो ए इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा मंत्री कौन है? बीडी कल्ला। ठीक है, क्वेश्चन सेवन है, राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह की कुल क्षमता है? तो राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह की कुल टोटल क्षमता अभी के वर्तमान के पूछे तो कितनी है? 172 मेगावाट। ठीक है, और ये आपको पता ही है, ये चंबल नदी जो है उससे इस परियोजना का प्रारंभ होता है। क्वेश्चन आठ है, राजस्थान के किस जिले को 24वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखो, राजस्थान के किस जिले को 24वीं, तो इसका राइट आंसर होगा नागौर को। नागौर को 24वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नाइन है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को प्रथम, राजस्थान को सेकेंड मिला है और तमिलनाडु को थर्ड मिला है। क्वेश्चन टेन है, किस बैंक की सहायता से राजस्थान के 29 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए जाएंगे? तो कौन सी बैंक है जिसने फंड दिया है जिसमें 29 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास होगी? तो इसका राइट आंसर होगा HDFC बैंक, ए राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आज की करंट जीके के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वही मैं आपको करवाती हूँ, तो आप डेली इस करंट जीके की क्लास को देखो, और जो भी मैं तो कहती हूँ करंट जीके के क्वेश्चंस को कॉपी में लिखो, डेली रिवीजन करो।